जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बी एन टेक और मेरा नाम है बी एन झा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि पहले एक सूचना दूंगा। वो सूचना ये है कि एक बैड सूचना है आप लोगों के लिए। बैड सूचना ये है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी लॉकडाउन है, काफ़ी सारे स्टेट्स में भारत के लॉकडाउन है कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। और पीछे भी एक साल पहले ऐसे ही लॉकडाउन हुआ था पूरा देश में, तो बहुतों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे बंदे जॉबलेस हो गए थे, बहुतों की जॉब लॉस्ट हो गई थी। जो पार्ट टाइम भी कर रहे थे, फुल टाइम भी कर रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया था, ठीक है, आर्थिक मंदी के कारण। तो गाइज, अगर आप लोग आज के डेट में घर पर बैठे हो और जॉब की तलाश में है, तो गाइज कोरोना में कहीं जाना भी दिक्कत है, और कहीं आप जाओगे तो कन्वेंस चाहिए, इसके लिए बहुत कुछ चीज चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और गाइज, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने इस बी एन टेक चैनल पे लाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़, तो इस तरह की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो गाइज, आप लोग को बस चैनल को सपोर्ट करना है। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो घंटा होती है उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सको। तो गाइज, मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूं कि अगर आप घर पर बैठे हो, जॉब की तलाश कर रहे हो और जॉब आपको ये पास अभी नहीं है, तो आप एक ऐसी एप्लीकेशन में आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, जिसपे आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने पसंद के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पर जॉब ढूंढ सकते हो। ये फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पार्ट टाइम के लिए भी, फुल टाइम के लिए भी, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हो, और ऑफिस में जाकर जो जॉब की जाती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू जाकर दे सकते हो। एचआर से 2 से 3 दिन में आपके यहाँ पे कॉल आ जाएगी और एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको कहीं पर नहीं जाने की पड़ेगी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको जॉब मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। तो पूरा इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने। तो गाइस, इसके लिए मैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाऊंगा और वो एप्लीकेशन पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, वो सारा बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। गाइज, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और गाइज एक बात और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है कि अगर आपकी नीड नहीं है तो आपके फैमिली में, आपके दोस्त में, या आप जिसे नहीं जानते हो फेसबुक पर, उन्हें नीड है तो उनको ये वीडियो हेल्प करेगी, ठीक है। तो किसी न किसी को हेल्प मिलेगी, तो मैं आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो जिनको हेल्प चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉबलेस है, जिनके घर में खाने के लिए दिक्कत आ रही है और भी बहुत सारी दिक्कत है, तो उनको एक जॉब मिल जाए, ठीक है, हम लोगों का मकसद यही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक डाटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और इस मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और मोबाइल रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक डाटा यहाँ पर आपको शो करूँगा। देखिए, पहले पिछले साल का डाटा था यहाँ पे, पिछले साल का डाटा क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, पिछले साल का डाटा था जो यहाँ पर जुलाई में 50,01.89 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। तो जुलाई में 2020 की है, जो पहला लॉकडाउन था, तो इतने लोग बेरोजगार हुए थे गाइस, 50 देखिए इसमें, लेकिन जुलाई में फिर से 50 लोगों की नौकरी चली गई फिर से जुलाई में। तो कंटिन्यू उस टाइम से नौकरी जा रही है, जॉबलेस होते जा रहे हैं सब, ठीक है। तो अभी जो लॉकडाउन लगा है, फिर नौकरी बहुतों की चली गई है। तो गाइस, यहां पे कैसे जॉब मिलेगी, तो इस जॉब की हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे जॉब कैसे मिलेगी, तो इस जॉब की बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस जॉब के लिए हम बात कर लेते हैं आगे और देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे या प्ले स्टोर पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन टाइप करना है। वहां पर टाइप करने के बाद आपको देख सकते हो इसके साथ कौन कौन सी कंपनी जुड़ी हुई है। तो इसके साथ आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट, जियो, बायजूस, ठीक है, स्वैगी, इस तरह की यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है अपना, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 लाख जॉब ओपनिंग फ्रॉम बेस्ट कंपनी के साथ, 10 लाख जॉब है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको अपना नंबर डालना है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अपना नंबर टाइप करना है और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे OTP आएगा, OTP यहाँ पे आपको यहाँ पे आएगा, OTP ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। OTP फिल होने के बाद ये
अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पे फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेंड्स पे आपका एक विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। विजिटिंग कार्ड क्या होता है, एज ए रिज्यूम होता है, रिज्यूम जैसे हम रिज्यूम देते थे ना जाकर या अप्लाई कर देते हैं, ये आपका विजिटिंग कार्ड रिज्यूम का काम करेगा। इस पे आपका नाम, मोबाइल नंबर ये सब लिखा आएगा, ठीक है, ये एचआर को जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लेट्स गो का नीचे ऑप्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे लेट्स गो पे आप क्लिक करोगे ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे खुलते के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए योर नेम, आपको इसमें अपना नाम फिल करना है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स नेम हो वही फिल करना। उसके बाद आपका सिटी डालना है और यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, अगला पेज ही होगा ये। इसमें फ्रेंड्स देख बात कर लेते हैं, तो इसमें यह आपका क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो ये देखिए बी एन टेक यहाँ पे लिखा आ गया, दिल्ली एनसीआर मेरा सिटी आ गया। तो यहाँ पे आप सिटी डाल सकते हो, लोकेशंस आप अपना डाल सकते हो, क्योंकि लोकेशंस इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपके लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको नियर बाय जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बाद नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये खुल जाएगा। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है और ये ऑप्शन है कि आप अगर थोड़ा सा इंग्लिश जानते हो तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, अगर आप अच्छी खासी इंग्लिश जानते हो तो इस पे टिक कर सकते हो। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स जानते हो, ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हो तो ये भी आप चूज कर सकते हो, और ये भी। तो ये करके और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जब कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो उसके बाद ये पेज खुलेगी। इस पेज पे फ्रेंड्स आपको क्या दिखाई देगा, एच आर नीड योर प्रोफाइल पिक्चर, कंफर्म इफ योर प्रोफाइल इज रियल एंड नॉट फेक। अगर कंफर्म है तो यहां पे आपका एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, आप अपना ही करना, रियल करना, ठीक है, कोई फेक वाला काम मत करना। आपका देखिए यहां पे नाम माम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद कैमरा का आप यहां पे यूज कर सकते हो या गैलरी से आप डाल सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद ये आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक फोटो यहाँ पे अपना डाल दिया था और ये देख सकते हो दिस फोटो इज गुड, चेंज चाहो तो चेंज फोटो भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज देखिए अगला क्या खुलेगा, ये मैं आगे दिखाता हूँ आपको, अगला ये आएगा। इसमें लिखा आएगा डू यू हैव वर्क नॉलेज, आपके पास वर्क, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए, सिंपल सी बात है। अगर आप फ्रेशर हो, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है, और अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद ये अगला ये खुल जाएगा। आप इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डू यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस यस कर दिया, तो यहाँ पे आपका एजुकेशन मांगेगा, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, जॉब टाइटल किस टाइटल में आपका, मतलब किस जॉब किस फील्ड में एक्सपीरियंस है ये डालना है, कंपनी नेम किस कंपनी में आपने काम किया इससे पहले, ये सब डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। सैलरी आपको कितनी मिलती थी मंथली, ये सब कर देना, ठीक है, पूरा प्रोफाइल आपको बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर नो करोगे तो सिर्फ आपसे क्या मांगेगा, एजुकेशन, ओनली एजुकेशन मांगेगा आपसे और कुछ नहीं मांगेगा। तो एजुकेशन फिल करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला ये पेज खुल जाएगा, ये सब खुल गया। उसके बाद एजुकेशन में जैसे कि आप देख सकते हो, एजुकेशन में 10th 12th डिप्लोमा, आईटी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपने कर रखा है वो चीज़ आप यहाँ पे पूरा फिल करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये वाली बात आई, यहाँ पे आएगा विच जॉब कैटेगराइज यू आर इंटरेस्टेड इन। तो चार कैटेगरीज सेलेक्ट, आप चार कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप किस कैटेगरी में इंटरेस्ट हो, जैसे अकाउंट एंड फाइनेंस में, एडमिन ऑफिस, डाटा एंट्री वर्क में, ठीक है, ब्यूटी हेयर में, तो ये क्रिएटिव, ड्राइवर, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी या आईटी टेक्नीशियन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका नीचे और भी आ जाएगा ऑप्शंस, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जैसे कि ये है, इसमें आप देख सकते हो मेडिकल में, लॉजिस्टिक्स में, लीगल में, ठीक है, सॉफ्टवेयर आईटी में, टीचर्स में, ठीक है, टीचर्स बीपीओ में, एस सेल्स मार्केटिंग में, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चार कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, जिसमें आपको जॉब चाहिए उससे रिलेटेड ही जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेंड्स नेक्स्ट कर लेना है, और ये करने के बाद आपका एप्लीकेशन या प्रोफाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ पर प्रोफाइल खोल कर दिखाता हूँ, जो एप्लीकेशन खोलकर, जो एप्लीकेशन पर आप कैसे आएगा, ठीक है। तो चलते हैं एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन आपका इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से आपका अपना एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, बहुत इजी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ये देखिए अभी खुल जाएगा, ये खुलेगी।
प्रॉब्लम कुछ हो आ रही है, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ, रिट्राई कर लेता हूँ। सेलेक्ट जॉब, यहाँ पे जॉब का ऑप्शन देखिए, ठीक है खुल गया। अब फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन खुल गई है, अब यहाँ पे क्या क्या काम है, यहाँ पे आपको जॉब फाइंड करना है। तो जिस कैटेगरी में, जैसे अकाउंट में जॉब फाइंड करना है तो अकाउंट में कर सकते हैं। अभी मेरा इस फोन का इंटरनेट बंद है, तो गाइज मैं एक बार नेट ऑफ ऑन कर लेता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नेट बंद था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था। अभी देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा, प्लीज वेट आ गया, देखिए प्लीज वेट आ गया। अब मैं सारा इन्फॉर्म बताता हूँ, देखिए आ गया पार्ट टाइम, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, नाइट शिफ्ट, जिसमें भी आप जॉब करना चाहते हो उससे इंटरेस्टेड आप देख सकते हो और उससे इंटरेस्टेड आप काम कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जैसे कि ये जॉब, ये अप्लाई करना चाहूँ मैं अगर टेली सेल्स का, तो 25,000 रुपये मिलेगा, पटेल नगर लोकेशन से अप्लाई पे जाके आपको क्लिक करना है जस्ट और अप्लाई कर देना है। एचआर से, एचआर का आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इजी है, इस तरीके से आप जॉब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी आपके इंटरेस्ट से, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जॉब है, ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। वन ओपनिंग है, रजौरी गार्डन लोकेशन है, सब कुछ दिखाई देगा। सेल्स मार्केटिंग में 50,000 सैलरी है, डिजिटल मार्केटिंग में 5,000 है। तो पार्ट टाइम जॉब से भी रिलेटेड है, अगर मैं इस पर क्लियर करूंगा वर्क फ्रॉम होम पे, तो इससे रिलेटेड हमारी जॉब दिखाई देगी। देखिए बिजनेस डेवलपमेंट का चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट का चाहिए, सेल्स कंसल्टेंट का इनको चाहिए वैकेंसी, तो ये सब वैकेंसी आ जाएगा। म्यूजिक टीचर, जैसे आप टीचर हो, टीचर में इंटरेस्ट है, तो ऑनलाइन टीचिंग करते हो, तो ये देखिए टीचर 40,000-20,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, आपको यहाँ पे अप्लाई जाके कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स देख सकते हो, जॉब जॉब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे जाके नीचे ऑप्शन आएगा जॉब का, यहाँ से जॉब देख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स आपके नीचे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्ड होगा, जो रिज्यूम जिसको बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड, ठीक है, नीचे कार्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें होंगी और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स। उसके बाद यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है, लास्ट एक ऑप्शन है, कोई डाउट है, कुछ इश्यू है, कुछ पूछना है, तो टेक्निकल टीम इनकी बैठी होती है, आप यहाँ पे जाके एक चैट का ऑप्शन है, यहाँ से चैट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, नाइट शिफ्ट में, जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी, जैसे अकाउंटेंट में, जिसमें भी, कंप्यूटर डाटा एंट्री में, मैं आपको एक डाटा एंट्री की दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं डाटा एंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए डाटा एंट्री की जॉब आ गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी है डीआर इंजीनियरिंग में, यहाँ पे तिलक नगर दिल्ली में 3 ओपनिंग है, 3 वैकेंसीज है, ये भी दिखा देगा। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो जॉब को, तो यहाँ से व्हाट्सएप से शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। 10,000 रुपीज आपको मिलेंगे, 12,000 रुपये डाटा एंट्री इंसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, 50 ओपनिंग, 50 पोस्ट है, अप्लाई करिए। अगर आप लोग डाटा एंट्री में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ जाके अप्लाई करिए। तो गाइज मेरा मकसद यही था, अगर आप लोग जॉबलेस हो, जॉब की तलाश में हो, फाइंड करना चाहते हो, तो जॉब आप लोग देखो। देखिए गाइज मेरे चेहरे पे काफ़ी हद तक जो है पसीने आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, और मैं फिर भी आप लोग के लिए डेडिकेटेड होकर वीडियो बनाता हूँ, और मेरा मकसद होता है जो कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत योगदान कर सकूँ जिस भी माध्यम से, तो वो मैं आप लोग के लिए करता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये सब देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है करके, सबसे बड़ी है। तो इस तरीके से आप जॉब फाइंड कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन बता दिया है। स्टिल कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, और आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इस एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन का यूज करोगे। यहां पे आप घर बैठे जॉब सर्च कर लोगे, आपको जॉब मिल जाएगी और आप हैप्पी रहोगे, काम करते रहोगे। तो बस यही कहना चाहता था इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, और एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको नीड नहीं है तो आपके दोस्त को, आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मित्र को, या किसी भी अन्य पर्सन को रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो यही की आशा आप करता हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग अच्छे रहें, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और गाइज लाइक जरूर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।